ये प्रातः आज आ रहे थे लकड़ी एकत्र करके मृतक कुलवंत जी की वन कर्मियों पर आरोपित किया गया है कि उन लोगों ने गोली मार करके इनकी हत्या कर दिया है। मौके पे मौजूद हूँ, ये डाटरगंज के घटनास्थल पे जहाँ पे आप बाइक ले रहे हैं। अभियोग 302 का पंजीकृत कर लिया गया है, शव को कब्जे में लेकर परीक्षण हेतु भेजा गया है, वैज्ञानिक तरीके से विवेचना की जाएगी। गुण दोष के आधार पर जो दोषी वन कर्मी हैं उनका निर्धारण करके कुछ 3 लोगों का नाम भी बता रहे हैं जिन लोगों ने फायर करके हत्या की है, उनका गुण दोष के आधार पर विवेचना का निस्तारण किया जाएगा और उनकी कार्रवाई की जाएगी। पापा थे आपके? क्या नाम था? कुलवंत? नहीं नहीं, पापा हमारे, आप हम बात जो शुरू में बता रहे हैं ना, पापा हमारे भैंसी चुगाने के लिए गए थे, वो लेट हो गए तो कहने लगे कि भैया ऐसा है मुगन्ना की तरफ आप करते हैं, उनके भाई हो? भाई मतलब? अच्छा भाई, कुलवंत? कुलवंत कुलवंत के भाई हो? बड़े छोटे? बड़े। अच्छा, तो वो सर जैसे भैंसी हो गई थी तो हमारे पापा घर आए, उन्होंने कहा कि बेटा ऐसा है कि आप जाओ, हम तो थके हुए हैं। मैं हंसते हुए कह रहा हूँ कि हम लोग चलते चलते क्या मामला हुआ? मामला ये हुआ था कि लड़की जो है कि लेट हो गई थी, उसी चले गए थे कि जंगल में देखने के लिए, और उसके समय जब आ रहे थे तीनों दो उनके साथ दोस्त थे, और एक ये थे कुलवंत सिंह, जब वापसी आ रहे थे तो वन विभाग की तरफ से 3 एक कर्मचारी थे। क्या नाम था उनका? उनका नाम है पापा थे आपके? जी जी। क्या नाम था? कुलवंत? नहीं नहीं, पापा हमारे, आप हम बात जो शुरू में बता रहे हैं ना, पापा हमारे भैंसी चुगाने के लिए गए थे, वो लेट हो गए तो कहने लगे कि भैया ऐसा है मुगन्ना की तरफ आप करते हैं, उनके भाई हो? भाई मतलब? अच्छा भाई, कुलवंत? कुलवंत कुलवंत के भाई हो? बड़े छोटे? बड़े। अच्छा, तो वो सर जैसे भैंसी हो गई थी तो हमारे पापा घर आए, उन्होंने कहा कि बेटा ऐसा है कि आप जाओ, हम तो थके हुए हैं। हंसते हुए कह रहा हूँ कि हम लोग चलते चलते